सभी किसान बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, क्या रहेगी वायु गुणवत्ता। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन पाँच बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएं। सबसे पहले आपको जानकारी दें पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में, जहाँ कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इसी के साथ ही जो अगली बड़ी खबर है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। भारी बारिश को लेकर यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी उत्तराखंड में बारिश को लेकर काफी सावधान रहे। गुजरात की बात करें तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की यहां भी संभावना बनती नजर आ रही है। अगली खबर जो है वो कोंकण और गोवा से जुड़ी हुई है, जहां पर भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरों में जो एक और बड़ी खबर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश, यानी काफी ज्यादा बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है। बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहां कैसे ऐसी स्थिति रह सकती है और किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैप, जिसमें जो क्षेत्र हरे रंग में है उनको लेकर किसी तरह का अलर्ट नहीं है, जो रंग नारंगी रंग में है वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन जो रंग लाल रंग में है वहाँ चेतावनी है। तो आपको सबसे पहले हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही गुजरात, उत्तराखंड के बारे में बता दें, जिनको जहाँ को लेकर एक तरह की रेड अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। पूरे पूर्वोत्तर में आप देख रहे हैं कि नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगह बारिश है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, यहाँ भी सावधान रहें। अगर हम ऊपर जाएँ तो हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये तो बात हुई कि कहाँ कहाँ किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें विशेष तौर पर आपको जानकारी देते हैं बारिश को लेकर, यानी कहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, कहाँ ज़्यादातर स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं, तो आप देख सकते हैं कई जगह बारिश हो सकती है। पंजाब, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड को लेकर जैसा कि चेतावनी भी है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर यहां पर काफी भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड को लेकर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि काफी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात होगी, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात होगी, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हम अब दक्षिण की ओर चलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केरल में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक के बारे में देखिए, अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, इसके अलावा भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु में कई जगह कहीं कहीं पर बारिश होगी, लेकिन भीती दक्षिण कर्नाटक में आप देख सकते हैं कि कई जगह पर बरसात हो सकती है। अब मध्य भारत की बात करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अनेक जगहों पर बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान में भी इस तरीके से अनेक जगहों पर बारिश है, लेकिन जैसा कि गुजरात की स्थिति आप देख रहे हैं कि अधिकतर यहां पर जगहों पर बारिश अगले 24 से 48 घंटों पर हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहां कैसा रहा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई पिछले 24 घंटों में। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी वो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर बारिश रही। पूरे पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा बारिश रही है, अरुणाचल प्रदेश,
प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही सिक्किम में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश रही है। बिहार, झारखंड में भी यही हालात दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं हम दक्षिण के राज्यों की, तो आप देख सकते हैं कि चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत का लगभग यही हाल रहा है, जिसमें आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र भी शामिल है, जिसमें पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। तो मौसम के जाल के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, यानी देश के जो विभिन्न हिस्से हैं वहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा, खासतौर पर बारिश के बारे में हमने आपको अपडेट दिया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मच जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नज़र डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में जानकारी देते हैं। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा, इस तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी जानकारी होती है। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, ये आप देख रहे हैं कि वो क्षेत्र है जहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ ही अगर हम भीती उत्तर कर्नाटक की बात करें, हालांकि यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ भी तापमान में आप देखिए अधिकतम तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। अब आपको जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है। आप देख सकते हैं कि तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश पर सबसे पहले नजर डालते हैं, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से आप देखिए पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो यहाँ देखिए आप तापमान जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, तापमान यहाँ पर नीचे लुढ़का है। दक्षिण की ओर अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश का रुख करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश में भी जो तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखिए, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो कम की बात करें, सबसे कम तापमान यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितना दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही फिलहाल अब रुक करते हैं देश के अन्य हिस्सों की ओर, वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर। और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो मुख्य बड़े शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए इस पर भी नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर पीछे हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से आप देख रहे हैं 291 हो गई है वायु गुणवत्ता, जो कि थोड़ी ख़राब की स्थिति में है। पुणे की बात करें तो यहाँ की आबो हवा अच्छी बनी हुई है, एयर क्वालिटी 43 है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और इसी तरीके से चेन्नई में आप मुंबई में आप देखिए गुणवत्ता जो सूचकांक है वो 50 पर है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है, 50 से नीचे 50 तक, इससे काफ़ी बेहतर स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में हम मानते हैं। कोलकाता की स्थिति देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वायु गुणवत्ता की वो अच्छी बनी हुई है। लखनऊ में 97 है, ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। लखनऊ की वायु गुणवत्ता फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है पहले से। पटना में भी स्थिति काफ़ी सुधरी है, 100 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये भी फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। पटना में भी जो वायु गुणवत्ता थी वो सुधार की ओर है। हैदराबाद की स्थिति देखिए, 51 है यहाँ पर एयर क्वालिटी गुणवत्ता सूचकांक, ये भी बेहतर स्थिति में, अच्छी की कैटेगरी में है। अहमदाबाद की बात करें तो 91 है यहाँ की एयर क्वालिटी, और ये भी अच्छी की स्थिति में है, यानी अच्छी कैटेगरी में है। बेंगलुरु में आप देखिए 36 एयर क्वालिटी इंडेक्स गुणवत्ता सूचकांक, और ये काफ़ी बेहतर स्थिति में है, काफ़ी अच्छी है यहाँ की एयर क्वालिटी। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की स्थिति आप देखिए, अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है। तापमान देखिए मंगलवार बुधवार गुरुवार को कांस्टेंट है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सोमवार को 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 13 और 12 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं अगले 4 दिनों में। हिमाचल प्रदेश के शिमला की स्थिति देखें तो यहाँ भी देखिए अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तापमान सोमवार को 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान भी 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों में। इसमें भी कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, यानी जो अनुमान है उसके अनुसार। उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात करें तो लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है उत्तराखंड के बारे में, फिलहाल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो बहुत सावधान रहे, कोशिश करें पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवल ना करें। अगले 4 दिनों में काफ़ी झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश हो सकती है, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, पहले 2 दिन बुधवार और गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन चारों ही दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली है, अलर्ट भी चेतावनी जारी की गई है। पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ भी आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा, सोमवार को 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी रहेगी, गर्मी भी है काफ़ी अधिक। उसके बाद हालांकि तापमान में आप देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट है, मंगलवार को 34 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 33 और गुरुवार आते हुए फिर से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, न्यूनतम तापमान 27 और 29 डिग्री सेल्सियस। मेघालय के शिलोंग अगर आप जाना चाहते हैं तो सोमवार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन उसके बाद बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, हो सकता है बौछारों का सामना करना पड़े। मंगलवार बुधवार गुरुवार को आप देखिए कि कैसी स्थिति है। तापमान की बात करें तो पहले 2 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 24 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा, न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं, 18 डिग्री सेल्सियस पर ये अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा। राजस्थान के जोधपुर जाना चाहते हैं तो गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 36-35 गुरुवार आते आते, और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा।
तो ये है जोधपुर की स्थिति, जहाँ पर अगले चार दिनों में मौसम के स्थिति के बारे में हमने आपको जानकारी दी और देख रहे हैं कि तापमान थोड़ा ऊपर नीचे अगले चार दिनों में होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसा कि हमने 5 बड़ी खबरों में भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। और अगले चार दिनों में यहाँ पर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तापमान देखिए 21, 20 और 19 तक पहुँच रहा है, थोड़ी गिरावट हो रही है धीरे धीरे, लेकिन कोई ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम केरल के कन्नूर की, तो चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है, केरल में भी काफ़ी अधिक बारिश हो रही है, अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की जा रही है और ऐसा ही अगले चार दिनों में भी यहाँ पर रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि पहले दिन यानी सोमवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 24 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान अगले तीन दिनों में कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नजर डालते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर, तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश है अगले चार दिनों में, अधिकतम तापमान पहले तीन दिन 31 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगले चार दिनों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी कन्याकुमारी में, ये आपने जाना, और बारिश का हाल भी अभी हमने आपको बताया कि कन्याकुमारी में कैसा रहने वाला है, चारों ही दिन काफ़ी बारिश रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। आप ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ की मौसम से जुड़ी गतिविधि क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और अलग अलग राज्यों की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह को आप ध्यान में रखते हुए कैसे अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों के लिहाज से ये मौसम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि सब्जियों को लेकर खेती किसानी में आज क्या सलाह है आपके लिए। जम्मू कश्मीर के उपनाम इलाकों में मौसम साफ रहने पर धान की रोपाई जारी रखें और मक्के की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। वहीं जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क क्षेत्रों में मटर की तैयार फलियों की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की निचली पत्तियों में छोटे पीले अंडे और लार्वा के संक्रमण की निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप दिखे तो प्रभावित पत्तियों को तोड़कर मुख्य खेत से दूर मिट्टी में दबा दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में धान के खेतों में ज्यादा से ज्यादा पानी जमा करने के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें। यहीं बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए मक्का में निराई गुड़ाई जैसे कार्य से बचें। इसके अलावा यहां साफ मौसम के दौरान मूंग और उड़द की बुआई करें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में मक्के की बुआई के 30 दिनों के बाद पहली निराई करें और इसके 10 से 15 दिनों के बाद दूसरी निराई करें। यहां इस समय धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में ही मौसम साफ रहने पर आलू की खुदाई करें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में धान में खाली जगहों को भरने का काम करें। इसके अलावा धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। भाबर और तराई के इलाकों में ही इस समय मूंगफली, सोयाबीन और मक्का की बुआई जारी रखें। इसके अलावा यहां तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई करें। यही ये समय भिंडी की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कद्दू वर्गीय सब्जियों को सहारा दें। इसके अलावा यहाँ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी खेती किसानी से जुड़ी हुई, जिसमें हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए क्या बातें हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं, कैसे आप सब्जियों की अच्छे से बुआई कर सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर विशेषज्ञों की सलाह का मकसद यही होता है कि आप वैज्ञानिक तरीके से फसलों की खेती कर सकें और ज़्यादा लाभ ले सकें। इसमें कीट प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, खेत की तैयारी के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे पोषक तत्वों का भी प्रबंध किया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की हमारी फसल की, जिसमें हम आज आपको खीरा के बारे में बताएंगे। खीरा एक कद्दू वर्गीय सब्जी है और इसे साल भर हम इसका सेवन करना पसंद करते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। हमारे किसान इसकी विभिन्न तरीके से खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए देखते हैं खीरे पर हमारी ये रिपोर्ट। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल
मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से एक तिहाई भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। एक हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खीरे की बुआई के लिए एक हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। देखा आपने कि कौन कौन सी अच्छी किस्में आप ले सकते हैं, अच्छी वैरायटी कौन सी हैं खीरे की। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि कीट और बीमारियों से कैसे बचाना है, फल मक्खी हो या फिर लाल कीड़ा हो, इससे आपको खीरे की फसल को सुरक्षित रखना है, तभी आप अच्छी फसल प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। जाते जाते आपको ये भी बताते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। यहाँ लेंगे इजाज़त, मौसम खबर के साथ फिर होंगे हाजिर। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ILK ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हम आ रहे हैं, बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान। पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे।
देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का सर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं ये जाला हल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम बैंक में या तालाब में करेंगे जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूं। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। हम आ रहे हैं। बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान, पूरी जानकारी पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान।
देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे mandi.com में डीडी किसान पर। किसान बदलते भारत की शान।